ये हम है, ये हमारी थार की चाबी है, थार नहीं है क्योंकि थार नीचे कर गई, थार की चाबी है। तो बेसिकली आज था संडे, तो हम लोग गए थे ऑफ रोडिंग में, और वही ऐसे रैंडमली यही पीछे चला जाता हूँ मैं, पीछे मतलब यहाँ पे बंधवारी विलेज के आसपास की ट्रेल है, और वहाँ पे और भी ग्रुप आया हुआ था, काफ़ी लोग थे, मतलब नाना करके 25-30 थार थी। तो आज की जो वीडियो है वो है बेसिक एक ट्रेल है, वो ऑलरेडी मैंने पार कर रखा है पुरानी वीडियोस में है, जिसमें फ्लाइंग थार करके है वीडियो का टाइटल, उसमें वो ऑब्स्टिकल पार हो चुका है, और भी लोगों ने पहले पार कर रखा था, बट उसमें कुछ फेल अटेम्प्ट्स हुए थे, मतलब जैसे जो गाड़ी नहीं पार कर पाती है वो वहाँ पे जाके टायर उनके घूमते और गड्ढा होता है, तो वो थोड़ा टफ हो रखा था। तो कुछ थार्स ने 3-4 लोगों ने ट्राई किया उसमें, और लकली किसी की नहीं निकली। तो इसमें एक टाइम के बाद जब लोगों के पार नहीं हुए तो उससे एक क्वेश्चन उठता था कि क्या मतलब, या तो लोग थोड़ा डर रहे हों क्योंकि बिगनर्स थे, या फिर गाड़ी उतनी कैपेबल नहीं थी, या फिर ट्रेल सच में बहुत टफ थी। ट्रेल टफ थी, वो वीडियो में आपको दिखेगी, अच्छी खासी डेप्थ थी, मतलब मेरे तो कमर के बराबर तक की उसमें डेप्थ थी। और उसके बाद मेन बात ये था कि ना इसमें प्रॉब्लम लगी थार में, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था आज वाला। इसका जो फ्रंट टायर है, जिसको ये BLD बोलते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करता, वो कभी लगता है। उसमें क्या होता है कि आपका एक टायर लॉक हो, जो फ्री वाला टायर घूम रहा होता है वो लॉक होता है। शुरू से समझाता हूँ इसमें होता क्या है कि जैसे जब आपका जिस टायर पर लोड पड़ता है नॉर्मली वो टायर नहीं घूमता, जिस टायर पर जो टायर फ्री होता है वो घूमने लगता है, इससे पावर लॉस होती है। तो BLD क्या करता है कि RPM मेज़र करता है कि इनके दोनों टायरों के बीच में RPM का गैप कितना है, जिस जो टायर घूम रहा होगा जिसका RPM ज़्यादा होगा उसको रोकेगा और इसमें पावर भेजेगा, सो दैट गाड़ी आगे निकल जाए। बट ये इंगेज नहीं हो रहा था सबकी थार में, बहुत लोगों की थार में नहीं हुआ, 3-4 लोगों ने ट्राई जिन्होंने किया था, BLD ढंग से इंगेज नहीं हुआ था। अब एक गाड़ी आ रही है फोर्स की गोरखा, उसमें ये फ्रंट में उन्होंने मैनुअल रखा हुआ है, मैनुअल डिफरेंशियल लॉक है, वो गाड़ी शायद ऐसी जगहों पर निकल जाए, तो वो है एक अगर कोई ऑफ रोडर कंसिडर कर रहा है और ऑफ रोडिंग करनी है उसको, क्योंकि थार भी ऑफ रोडर ही है, SUV नहीं, तो उससे सीरियस ऑफ रोडिंग की जा सकती है। जिमी आ रही है वो भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद थार बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स करती है, मक्खन की तरह चलती है और रोर करती हुई चलती है, और ओनर्स के बीच में और उनकी गाड़ियों उनके थार के बीच में कनेक्शन दिखा। उनके पास और भी गाड़ियाँ थी लेकिन वो थार से ज़्यादा कनेक्ट थे, थार इज सेकेंडरी कार कई फैमिलीज के लिए, बट अच्छा कनेक्शन था, जैसे एक टाइम पे रॉयल एनफील्ड बुलेट में होता था, लोग कनेक्ट करते थे। जब मशीन से आप ज़्यादा प्यार करते हो ना तो उसमें आप अपने इमोशन डाल देते हो तो वो लिविंग लगने लगती है, तो वो वाली चीज़ें लगी जो पहले की गाड़ियों में होता था, सफारी में था, थार में, इसमें ऐसा है, स्कॉर्पियो में है, ये है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेट हो जाएंगे थोड़ा सा। हैं? हेलो। तभी नहीं आया मैं, तभी नहीं आया, मेरे को पता था। चलो चलो। लेफ्ट, हाँ ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इधर इधर इधर, इधर ही लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। राइट। गाड़ी खड़ी है। कौन से? हटा लूँगा। हटा लेता हूँ, ये हो गया, दो तीन ट्राई हो चुकी है अभी तक, नहीं देखते हैं। आप ऊपर से साइड हो जाओ प्लीज, ऊपर से साइड हो जाओ।
बिल्कुल सीधी सीधी जाने दी, स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा रख, जाने दे जाने दे, चल 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 चल, सीधा 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 उधर की तरफ, टायर उधर उधर, ओ ध्यान से ध्यान ध्यान से परेशान भी है, ध्यान से, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं हमें भी ध्यान से, एक सेकंड रुक जाओ, आप उनको निकल जाओ, हाँ दोनों वैलिड रीजन है, बैटरी लो है ना, फिर तुम देखिए बैटरी ले आओ।